स्वागत है दोस्तों आपका एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ मनीष गुप्ता भैया से। और ये देखिए उनका सेटअप देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ठेले में भी सेटअप देखा होगा। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इसमें लोड करके अपने ठेले में लगाए थे, बट ये भैया ना इसी में लोड करते हैं और इसी में लगाते हैं। तो मैं इनका सेटअप दिखाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखिए, ये रही सबसे पहले TVS की बाइक है, जिसको अपन लूना ही बोल सकते हैं, स्कूटी भी बोल सकते हैं। और ये रहा इनका ये सेटअप कुछ करके, ये इतना बड़ा देख सकते हैं, स्टील का बनवाया गया है। इसमें पूरा सामान ये सेटअप कर रहे थे, इसमें पानी पूरी भी रखी हुई है, मटर टंकी सारा सामान इसी में खड़ा होकर करके बेचते हैं। तो कहाँ बेचते हैं, कैसे लगाते हैं, पूरी प्रोसेसिंग आपको पूरी वीडियो में पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पानी की मेकिंग। तो सबसे पहले इमली की क्वालिटी देखो भाई साहब, तगड़ी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की इमली यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं हरा धनिया का पुदीना का पेस्ट डाल दिया, काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा का पाउडर सब डाल दिया। अब इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे वहीं जाके, मतलब जहाँ पे ये दुकान लगाते हैं वहीं पे जाके एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिला दिए हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद देखिएगा इनकी दुकान लगाने का स्टाइल, ये देखो पानीपुरी की क्वालिटी देखो भाई, छोटी छोटी है, बहुत अच्छी अच्छी है। इसमें काला कलर कपड़ा बांध दिया ताकि पानीपुरी छलके नहीं, मतलब जैसे पानी नहीं छलकता वैसे पानीपुरी भी नहीं छलके। ये देखिए इसमें लोड कर दिए। अब इनसे बात करते हैं भैया, गाड़ी में कैसे आइडिया, मतलब अधिकतर लोग ठेले में लगाते हैं, आपको आइडिया कैसे आया कि गाड़ी में लगाना करके? क्या है भैया कि मैं वीडियो देखा मतलब यूट्यूब पर, और हाँ। मैं मेरे दिमाग में आया कि अभी मैं पैर से थोड़ा सा दिक्कत में हूँ, अच्छा, दर्द है। हाँ, हाँ। तो इसके वजह सोचा कि मैं कुछ और करता हूँ, कुछ अलग करता हूँ, ताकि मैं अपना धंधा कर सकूँ। अच्छा। इसके लिए मैं सोचा और यूट्यूब देखा, और यूट्यूब देखने के बाद मतलब मेरे दिमाग में आया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो मतलब कुछ होगा। तो वहीं से आइडिया, और ये जो भी, हाँ, हाँ जो भी हो मतलब मैं अपने दिमाग से बनाया। अच्छा, बनवाया। कितना खर्चा आया तकरीबन आपको इसमें, गाड़ी में इंक्लूड करके पूरा मिला के? मान कर चलिए वही 80,000 से 90,000 रुपए के बीच में। मतलब सबसे महंगा चीज आपका गाड़ी है? हाँ, गाड़ी। और ये कितने का बना तकरीबन? ये 7,000 रुपए का बना। हाँ, तो सबसे पहला ये गाड़ी है, और बाइक में भी फिट करवा सकते हैं ना बहुत लोग? तो हाँ, बाइक में भी फिट करा सकते हैं, मगर थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें सबसे बेटर, इसमें मतलब बेटर हो ये होगा कि इसको आप खोल कर निकाल भी सकते हैं। अच्छा, हाँ। और इसको मतलब आप यूज भी कर सकते हैं, फिर दोबारा इसको खोल दीजिए, फिर अपना यूज कर लीजिए। ये बात है, ठीक। और बाकी बाइक में सेटिंग करने के बाद ये होता है कि मतलब आदमी अब उसी में सेटिंग फिक्स हो गया है, फिक्स नहीं है, इसको हटा सकते हैं उसमें। और इसके बाद तो मनीष भी अपनी दुकान यहाँ पे ला चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, और इसमें अभी अम्ब्रेला सेट करेंगे। तो अम्ब्रेला का भी सेटअप पूरा इसी में दिया गया है। तो इस प्रकार से भैया का सेटअप है, इसको लगा के टाइट कर देते हैं, थोड़ा सा हिलाऊं क्या, तो इसको बराबर कर दिया जाता है। और ये इनका स्टैंड हो गया भाई, ये स्टैंड मान लो इसको सपोर्ट करने के लिए स्टैंड हो गया, और वहाँ स्टैंड के नीचे एक पत्थर रख देते हैं। ये एकदम, ये देख सकते हैं आप लोग, एकदम सीधा हो चुका है अभी, एकदम क्लियर। भैया का फुल्की देख के ना मेरा दिल खुश हो गया, मतलब पापड़ी नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये कितने किलो आटा का पानी पूरी होगा? 3.5 किलो का आटा का। और कितना पापड़ी निकला है टोटल पूरे फुल्की में, कितना पापड़ी निकला है? 50 बता सकते हैं, 50 पापड़ी निकला है इसमें से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पापड़ी 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 एक पापड़ी, ये रहा देखो, ऐसे ही कुछ पापड़ी अंदर होंगे और 50 पापड़ी होंगे भाई। लिटरली जैसे ही बनाते होंगे गजब तरीके से बनाते होंगे, ये देख सकते हैं साइज़ भी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, परफेक्ट साइज़ है एकदम। देख सकते हैं जो पन्नी में पापड़ी रखे हैं ना भैया, बस यही पापड़ी निकला है। तो आप ये बताइए इस आटे में क्या क्या डालते हैं? सूजी और आटा रहता है। आटा कौन सा, तंदूरी रहता है कि तंदूरी आटा? और शाम को ही आटा लगाते हैं? हाँ, शाम को आटा। और सुबह उसको वही 5-6 बजे के आसपास उठ के बेल देते हैं। बेलने के बाद कितना टाइम देते हैं इसको? 1.5 घंटे का समय देते हैं। गर्मी में भी? हाँ। तो गर्मी में आटा गलता नहीं है आपका, समझ रहे हैं गलना मतलब? नहीं, हाँ, जैसे कभी कभार हम लोग का गल जाता है ना तो पूरा फेंकना पड़ जाता है। नहीं गलता है मेरा, नहीं गलता है। तो ये पानी पूरी के पानी में थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया गया है, बाकी मसाला वगैरह सब मिक्स कर दिया था ना? सब मिक्स है। वही काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा धनिया का पाउडर, हाँ। और वही हरी मिर्च और पुदीना धनिया पत्ती का चटनी। जी जी, ये देखिए। तो ये पूरा पानी खत्म हो जाता है ना आपका? खत्म हो जाता है। ये कस्टमर भी आ चुके हैं भैया के पास अभी। हेलो कस्टमर। हेलो, हाय। तो यहाँ पे मसाला तैयार किया जा रहा है, इसमें धनिया पाउडर डाल दिए और काला नमक और ये सफ़ेद नमक। तो ये देखिए इन लोगों का ना मतलब एक टंकी रहती है सेपरेट, और उसके बाद एक डब्बे में पानी निकाल के खिलाते हैं। मतलब ये टंकी थोड़ी दूर भी पड़ जाती है और सेपरेट रहती है इधर, मतलब बार बार उसमें हाथ डुबाना या फिर चम्मच चलाना नहीं रहता है, अलग से बना रहता है ना भैया। ये देखो
मटर में अच्छी तरीके से, आलू बिल्कुल भी यूज नहीं करते ना? आलू नहीं। ये मसाला बन रहा है अभी इसका। तो किस नाम से फेमस है अभी आप लोग अंबिकापुर में? कौन से? बनारसी फुल। बनारसी फुल्की के नाम से फेमस है। जी जी। प्याज रख दी ऊपर से। तो भैया पानी पूरी खिलाते हैं ना तो पत्ते में खिलाते हैं, तो सबसे बेहतर यही होता है। पत्ते मतलब डिस्पोजेबल भी होता है, कहीं ज़्यादा गंदगी भी नहीं होता, गाय वगैरह खा जाती है। ये देखिए खिलाने कुछ स्टाइल, चम्मच से मटर भर दिए, दे गया इसमें पानी, ये खा लिया। कैसा टेस्ट भैया? एक नंबर टेस्ट है। मेला का सेटअप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो चुका है। ये इसी में फिक्स रहता है और ये नट रहता है, इसमें टाइट कर देते हैं। ये दिक्कत नहीं करता है जैसे हवा वगैरह चलती है तब? नहीं, ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करता। नहीं नहीं। तो भाई साहब भैया का दुकान रेडी हो चुका है, चलिए पानी पूरी टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप लोगों ने नोटिस की होगी कि भैया पानी खुद चेक नहीं किया। अब भैया पानी चेक नहीं किए? नहीं। मतलब कैसे आइडिया है आपको कि एक बार हम बना दिए एकदम इकट्ठा? उसमें जो मात्रा रहता है ना सब बराबर बराबर रहता है। यहाँ आने के बाद जिसे अंदाज से आदमी पानी डाल देता है। आप अंदाज से मान लीजिए इतना पानी डाल दिया, आपको पता है परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया। तो चलिए फाइनली अपन टेस्ट करते हैं, फिर आपको टेस्ट बताते हैं। 10 रुपये कितने देते हो भैया? 10 रुपये के 5 पानी पूरी देते हैं। तो सड़ी पत्ता बोलते हैं हमें छत्तीसगढ़ में, इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर लेते हैं। पहले मैं भी ना पानी पूरी बेचता था, अभी भी बेचता हूँ मतलब, तो इसी में ऐसे ही मोड़ के खिलाता हूँ। तो ये पानी पूरी आ चुकी है अपनी, इसे मटर डाल दिया गया अच्छे तरीके से। परफेक्ट है। मैं सोचा था ना भैया टेस्ट नहीं किया तो शायद टेस्ट में कुछ डिफरेंट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया पानी पूरी खा ली, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और मैं भैया से पूछता कितने सालों से आप पानी पूरी बेच रहे हैं? 12-13 साल हो गया। तो 12-13 साल से आप इसी में बेच रहे हैं कि पहले ठेला चलाते थे? पहले ठेला में बेचते थे। हाँ, उसके बाद जाकर इधर गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी में बेचते थे। मतलब किस नाम से फेमस है आपकी दुकान? ये दुकान जो है किस नाम से फेमस है अंबिकापुर में? बनारसी फुल्की वालों के नाम से। और स्पेशली आपकी ये गाड़ी? गाड़ी। गाड़ी वाली पानी पूरी? हाँ, अभी गाड़ी वाली। गाड़ी वाली पानी पूरी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, देख सकते हैं ना, मतलब सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से दुकान यहाँ लग जाती है। और रात कितने बजे रहते हैं भैया? 9:30 बजे तक, मतलब देख सकते हो पूरे 12 घंटे। और दुकानदारी कितनी की हो जाती है मतलब आपकी पानी पूरी? 3,000-3,500 रुपए की हो जाती है। देख सकते हैं मतलब 12 घंटे में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और धूप है, अम्ब्रेला लगा के यहाँ पे पानी पूरी लोग बेचते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और भैया का सेटअप जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब वो भी ना यूट्यूब से देख के ही बनाए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आपको इस चैनल में ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी।